यूपी का एक ऐसा गांव जहां नहीं मनाया जाता रक्षाबंधन का त्योहार। बहन नहीं बांधती भाई की कलाई पर राखी। मान्यता है कि मोहम्मद गौरी ने रक्षाबंधन के दिन गांव पर किया था हमला। हमले के बाद गांव में बची थी एक गर्भवती महिला। भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन इस बार 3 अगस्त को है। रक्षाबंधन का जितनी बेसब्री से इंतजार बहनों को होता है, उतना अपनी कलाई पर राखी बंधवाने के लिए भाई भी बेकरार रहते हैं। इस त्योहार पर जहां बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा का धागा बांधकर उसके मंगल की कामना करती है, वहीं भाई भी बहन को उसकी सुरक्षा का वचन देती हैं। ये प्यार के बंधन का त्योहार आज नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। लेकिन एक गांव ऐसा है जहां कभी मोहम्मद गौरी ने हमला किया था। उस हमले के बाद इस गांव में कभी रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया गया और भाइयों की कलाई सूनी रहती है। नहीं, क्यों नहीं मनाते कुछ? पता नहीं, बस जब से बनाते ही नहीं, जब से मैं 14 साल की हो गई हूँ अब तक बनती नहीं है। बहने नहीं बांधती भाई की कलाई पर राखी। लेकिन रक्षाबंधन के लिए देश भर में जहां तैयारियां चल रही हैं, वहीं कई ऐसे भी हिस्से हैं जहां बहन रहते हुए कई भाइयों की कलाई हर साल सूनी रह जाती है। जी हां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ऐसा ही गांव है जहां पर रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता। इस बात को सुनकर भले ही आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। गाजियाबाद के इस गाँव का नाम है सुराना। ये गाँव गाजियाबाद से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर मोदी नगर इलाके में है। बताया जाता है कि ये गांव हजारों साल पहले से बसा है और हजारों साल से ही इस गांव में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता। लेकिन रक्षाबंधन नहीं मनाने के पीछे रोचक कहानी है। मोहम्मद गौरी ने गांव पर किया था हमला। दरअसल मान्यता है कि 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी ने इस गांव पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन जब वो इस गांव में आक्रमण करने आता था तो हर बार उसकी सेना अंधी हो जाती थी। उसे पस्त होकर वापस लौटना पड़ता था। इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि इस गांव में एक देव रहते थे, वही पूरे गांव को सुरक्षित रखा करते थे। लेकिन रक्षाबंधन के त्योहार के दिन हिंदू धर्म में गंगा स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है, इसीलिए रक्षाबंधन के दिन देव गंगा स्नान करने चले गए थे। इसकी सूचना गांव के ही मुखबिर ने मोहम्मद गौरी को दे दी कि आज देव गांव में नहीं है। इसका फायदा उठाकर मोहम्मद गौरी ने इस गांव पर हमला बोल दिया और जितने भी लोग गांव के अंदर मौजूद थे सभी को हाथियों से कुचलवा दिया। सोहनगढ़ गांव आ गए तो इस पर गौरी शाह जो चढ़ाई कर रहा तो यहाँ वीर है। जब उसकी चढ़ाई हुई वे गए अंधे कर दे सीमा से पारी। अब इसकी सीमा से जहाँ भी सीमा ही तो उनकी अंधी हो जाई फौज। अब भाई फौज अंधी होने पर तो फिर वापस जाना पड़ा उन्हें। फिर ऐसा हुआ डूम ने चुगली खाई। अब ये सलूनों के दिन रक्षाबंधन के दिन गंगा नहाने जाएंगे और जब टूट सके जब तो जाओ उन्होंने गंगा, ये तो वीर जो है ये तो चले गए गंगा नहाने और उन्होंने चढ़ाई कर दी। ये टूट गया उस दिन से ही रक्षाबंधन का काम बंद है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ रक्षा सिर्फ एक गर्भवती महिला बची थी जिंदा। जब देव गांव वापस लौटे तो उन्होंने सब तहस नहस पाया, यानी गांव के अंदर कोई नहीं बचा था, लेकिन एक गर्भवती महिला बच गई थी क्योंकि वो अपने मायके अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने गई हुई थी। तभी से इस पूरे गांव में रक्षाबंधन के त्योहार को बेहद शुभ माना जाता है और यहाँ के भाइयों की कलाई सूनी रहती है। बताया जाता है कि यहाँ की बहू अपने मायके अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, जबकि यहाँ की लड़कियां अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधती। बुजुर्ग लोगों का कहना है कि इस हमले के बाद गांव फिर से आबाद हुआ, लेकिन लोगों ने रक्षाबंधन मनाना बंद कर दिया और आज भी अगर गांव का कोई बाहर जाकर बस जाए तो भी रक्षाबंधन के त्योहार को नहीं मनाता। गाँव में यूँ ना मनाई जा रही भैया, रक्षाबंधन वाले दिन हाथियों की दाएं चली तो कभी किसी के फिर पुनवासी को लड़का हुआ उन्होंने पोंछी बांध दी तो गैल ही खत्म होगा। अच्छा। जब से न्यूई ना बनना ना कोई न्यूई डरिया है बांध रहा पोंछी। उस दिन रक्षाबंधन का हुआ क्या था, क्यों हाथ? कई सौ साल गुजर जाने के बाद एक बार फिर गांव वालों ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, लेकिन इस बार गांव का एक बच्चा इस दिन विकलांग हो गया।
इसके बाद से गांव वालों ने रक्षाबंधन को श्रापित मानकर इसे मनाना ही बंद कर दिया। तब से लेकर अब तक गांव में राखी वाला राखी बेचने तो आता है, लेकिन उसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। बहनें भी भाई को राखी नहीं बांध पाने की वजह से उदास रहती हैं और भाई भी अपनी सूनी कलाई देखकर दुखी होते हैं। पंजाब केसरी के लिए गाजियाबाद से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।